मैं भी बता रहा हूँ सर, मेरे यहाँ 40 बच्चों में एक बच्चा था जिसने अपनी मम्मी के गहने गिरवी करके रख के वो सीखने आया था। तो मैंने जब उसने मेरे को बताया तो मुझे बहुत दुख लगा, लेकिन चलिए ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं, जो सीखने आया और उसके पैसे अभी भी बोलता है कि भैया मैं उतनी तरह से मैं सीख नहीं पाया हूँ। यूट्यूब पे जुड़े जो ज्यादातर यार आदमी सोच के बैठेगा कि एयरपोर्ट, मैं कह रहा हूँ जाओ, बिल्कुल जाओ आप टेस्टिंग करो, लेकिन पहले नंबर ऑनलाइन सीखो, वो भाई उसके वीडियो ऐसे बाद डालते ऑफलाइन हैं जाओ। यूट्यूब पे। मैं अब कह रहा हूँ पहले ऑनलाइन सीखो, थोड़ा ज्ञान बटोरो, अगर आपको नहीं हाँ पूरा होता है, आपको नहीं जी अच्छा लगता, तब आप ऑफलाइन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ऑनलाइन जाओ, क्योंकि जो चीज आपको 15 दिन में सीख नहीं सीख पाओगे मेरे भाई, हाँ सही नहीं बात है सीख सर। पाओगे 15 दिन में, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो वहां पर जा के देख चुका हूँ, 15 दिन में आपको कब पता चलेगा कितना सिखा दिया सर ने, और फिर आप आओगे 20 दिन हुए 30 दिन ही हुए भूल जाओगे सब, सही बात है। कितना भी लिख लोगे आप, यहाँ ऑफलाइन है, आपको वीडियो मिलेगा, हर चीज मिलेगी, आपके पास बैकअप है, सपोर्ट है, प्लस सपोर्ट सबसे अच्छा है, हाँ मैं सही इस पे बात है कहूंगा, सर। सपोर्ट सर यहाँ सबसे बेस्ट RRMM का है, अरे सॉरी रिपेयर माई मोबाइल रिपेयर का फॉर्म सबसे, ठीक हाँ है, संडे संडे क्लास चलती है, 4 बजे सर चालू होते हैं, तो जी सर सिर्फ एक घंटे हाँ क्लास लेते हैं, करीब करीब 300 लड़के जुड़ते हैं, मैं भी जुड़ता हूँ, जी मैं भी जुड़ता हूँ, जी ईमानदारी से बताऊँ आपको, लेकिन हाँ आप क्या क्वेश्चन करोगे, आपका क्या आंसर मिलेगा पता नहीं। एक्चुअली ना सर क्या बोलते हैं, डीपली काम नहीं कर पाते हम लोग, और पहले बटन वाले फोन बनाने वाले बंदे कर कोई लेते दिक्कत हैं नहीं, लेकिन आप अभी शुरू कीजिए, आप यहाँ से ए से शुरू कीजिए, आप एस तक जाइए, अगर आपको एस में अच्छा नहीं लगता है तो आप फिर ऑफलाइन जाइए, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ सही ऑफलाइन में बात पहले पैसा मत कीज खराब कीजिए भाई, यहाँ 5-10 हज़ार में आप सीख जाओगे, उतना सीख जाओगे, 70% आप सीख जाओगे, 100% नहीं कह रहा हूँ मैं, 70% कह रहा हूँ, क्योंकि आपके हैंड स्किल के ऊपर काम होता है, मेन हैंड हैंड सर। होता है कि सर समझाएंगे पढ़ाएंगे, लेकिन करना आपको है, वहां पर सिर्फ करना मेन है आपको, है समझाना वहां ही है सिर्फ पढ़ाएंगे, ठीक है करना, लेकिन आपको ही बराबर है ना, लेकिन यहाँ पर आप कितने भी क्वेश्चन करिए कोई दिक्कत नहीं, वहां शर्मा शर्मी है, 40 लड़के हैं, आप शर्मा शर्मी में क्वेश्चन नहीं करोगे, हाँ, करोगे, टिक मार दोगे, हम खत्म, साइन कर दोगे, सही वहां बात आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें 20 से 40 टॉपिक होंगे, टॉपिक बताते जाएंगे सर, बताएंगे बिल्कुल, लेकिन उसके बाद आप सबका देखे थे कि साइन मार दोगे, लो भैया सर चलो बराबर, मैंने कुछ समझ में आ गया, लेकिन क्योंकि आप मैं जब अभी आओगे ना, हाँ सर मैं मुंबई में भी गया था एक जगह कोर्स करने डिस्कवरी, लेकिन कुछ खास नहीं मिला और मुझे पैसा फर्जी में मेरा गया और यार फालतू की मैं मार्कशीट दे कल दिए के गए। माध्यम से बोलूंगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत टाइम हो गया सीखे हुए, और मैं भी सीख भी रहा हूँ, और अभी भी मैं RRMM से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं फिर कहूंगा सभी लोगों को ऑफलाइन जाने का मूड मत जाइए, आप 10 हज़ार रुपये एक कोर्स ले लीजिए, यहाँ पर आप सीखिए, आपको 60-70% काम यहीं से मिल जाएगा, फिर आपको नहीं समझ में बस आता तब आप जाइए ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं, मैं बराबर मना ही सर नहीं कर रहा, लेकिन पहले यहाँ जी सीखिए, जितना नॉलेज आपको यहाँ मिलेगा ना, उससे कम नॉलेज वहां 15 दिन में मिलेगा, अरे सर मैं जाके देख लिया हूँ, कुछ नहीं ज्ञान मिलता, सिर्फ वहाँ सारे बच्चे बैठे रहते हैं और सब बता देते हैं कब दिमाग में आया कब निकल गया, कुछ पता ही नहीं चलता। और बता दूं सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूँ मैं, 100 में से 110 मार्क्स दूंगा सपोर्ट क्लास के लिए, सबसे ज्यादा 110 मार्क्स दूंगा सपोर्ट क्लास के लिए, नहीं आप सर मैंने इनका वीडियो भी देखा है और जस्ट मैं फाइल डाउनलोड करता हूँ सर के साइट से, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो जस्ट मैं दिल्ली का सोच के मैं बोला सर से एक बार मीटिंग ज्वाइन करता हूँ बात कर लेता हूँ और मुझे सीख लेता हूँ यहीं से, और मेरा शॉप आप भी नहीं क्लोज एक करना आपको अगर पड़ेगा। नहीं ज्वाइन, अगर आपका थोड़ा सा मन डगमगाए ना, तो एक नहीं बार नहीं आप सर सपोर्ट ऐसा क्लास कुछ में भी नहीं आओ, है। आप एक बार सपोर्ट क्लास में आओ, आप नहीं बताओगे ना कि मैं ज्वाइन हुआ नहीं हुआ, आप क्वेश्चन करोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, आप अच्छा इतनी मैं अच्छा गारंटी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बैठता हूँ, कोई भी बंदा आता है ना उसको सपोर्ट जरूर मिलता है, आपको बताया जरूर जाएगा, चाहे हो सकता है देर हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, लेकिन बताया जरूर जाएगा, पूछा भी जाएगा, किसी का क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन है, ये बहुत खास बात है, क्योंकि बंदा सपोर्ट दे रहा है, सही बात है। एक्चुअली क्या है ना सर, यहाँ पे हमारे जो काम कर रहा हूँ मैं, तो दिल्ली से बंदे सीख के भी आए हैं और कस्टमर हमारे चले जाते बहुत दुख होता है, और वही काम हम उनसे करवाने जाते हैं तो वो 500 का काम 1,000 रुपये बोलते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल बात है, मैं भी कराता था भाई, मैं भी कराता था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कराता था, देखो मेरे में क्षमता थी कि मैंने 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन मैं दूसरे को नहीं बोलूंगा कि भैया मत खर्च करना, सही बात है सीधा सर, बहुत ऑफलाइन मेहनत सीख, से आता है पैसा। मैंने एक जगह नहीं 3-4 जगह मैं सपोर्ट ट्रेनिंग किया हूँ, लेकिन सबसे मेरे को आखिरी में यही मजा आया कि यहाँ पर सपोर्ट सबसे अच्छा है, क्लासेस दो तो जगह अच्छी हैं, जाके आया हूँ सर,
दो जगह जाके आया हूँ। अब और लोगों से बात किया जाए सर, आप और लोगों से बात कर हाँ लीजिए, हाँ कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं मेरे मैंने दो अपना नाम सवाल हैं, सजेस्ट कर दिया। एक एक सवाल हाँ सर, दोनों पे है कि हाँ सर बोलिए। राज सिंह आप जाने वाले थे दिल्ली जी सर, और अब आपने प्लान कैंसिल कर दिया, क्यों किया? और दूसरा सवाल अनिल जी आपसे है, आपने कहा कि करना खुद से है, ये हाँ थोड़ा जी डीपली जी में समझाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस मार्केट में कि यूट्यूब पे दिखाते हैं मैं पहले काम नहीं कर रहा था, 4 दिन बाद आया, 4 दिन में आया और मैं सारा काम करने लगा। वो सब सेटिंग वाले सर बंदे राज रहते हैं सिंह सर। जी देखिए, नहीं मैं नहीं सर, बताता हूँ, मैं 12 घंटे आपको है ना, एक मिनट, एक पहले राज सिंह कंप्लीट कर लें और फिर आप जो डीप बताइएगा करना खुद से है, थोड़ा बैठ जाइए और समझाइए इस चीज को, अगर कमर ठीक है तो दर्द हो रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, कि करना खुद से है और जो 4 दिन में दिखाते हैं कि मैं 4 दिन था, 10 दिन था और 10 दिन में सारा काम करने लगा, ये क्लेम हम भी नहीं करते हैं अभी तक कि नहीं हो हम आपको सकता दस सर। दिन में सिखा देंगे, तो ये क्या सर मैं मसला बोलूं है? तो नहीं, अभी पहले सर, राज सिंह का है मैं फिर आपका है, पहले राज सिंह का है फिर सर, आपका है अनिल जी, हाँ हाँ पहला सर, सवाल उनका है। अभी हाँ 2013 से काम कर रहा हूँ, मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, 10 दिन में कैसे सीख लेंगे। बात ये समझने की है, और नए लड़के सब तरह से फंसते हैं कि उनको लगता है 4 दिन में सीख लेंगे, 5 दिन दुकान खोल लेंगे, 6ठे दिन में बन गए लखपति, हाँ इस बराबर सर। समय अब जूते मैं घिस बताऊँ, जाते हैं तब जाके कस्टमर बनते हैं। अनिल जी आप बताइए, एकदम सच में मैं जूते घिस बताता हूँ, जाते हैं तब मैं जाके डीटीओ कस्टमर बताता हूँ सर, बनते मैं हैं। डीटीओ बताता हूँ। मैं बहुत बड़ी बात देख रहा हूँ, मेरे 1 साल पहले की एक, ठीक है, मैंने भी तारीफ करना की थी, खुद से है, मैं इसका ठीक है, मतलब मैंने भी ये तारीफ है। की थी हाँ सर, मैंने तारीफ की थी, बहुत तारीफ की थी। लेकिन मैं बताऊँ क्या है, जैसे हम लोग अभी जो बंदा बिल्कुल फ्रेशर होता है, वो फ्रेशर जाता है, उसको कुछ नॉलेज मिलती है, तो उसके सामने तो नई चीज है ना, जैसे उसके सामने नई चीज आती है, अगर सही उसमें सही मैं सर, 10 सेट में से उसने 2 सेट बना लिए तो उसको, अरे यार मैंने तो कभी किया नहीं, आज बना दिया मैंने, ना बराबर तो सर, वहां पर क्या होता है कि वो उसके दिमाग में घुस गया कि यार सर ने बहुत अच्छी चीज बनाई, क्योंकि मैं पहले नंबर ही डायरेक्ट गया वहीं पर, कहीं और नहीं गया, डायरेक्ट कहीं पर इस चीज पे गया और मैंने 2 सेट ऑन कर लिए, तो मैं तो तारीफ करूंगा ना, अरे यार मैंने 2 सेट और तारीफ ऑन कर दिए, सर ने बताया था, वाह क्या ट्रेनिंग करते हैं। तो वहां पर ये होता है, मैं कहता हूँ यहाँ पर आप बैठो, आप सीखो और खुद प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकली बराबर करो, सर, जैसे ऑफलाइन में क्या बराबर। है, ऑनलाइन में क्या है कि आप प्रैक्टिकली करो खुद, तो आपको भी यहाँ वाह मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर समझने का टाइम मिलता है, जैसे सपोज बराबर 1 घंटे की क्लासेस है, आप 2nd डे पूरा दिन उस पर काम करो, वहां पर टाइम नहीं है, वहां पर क्या, एक चैप्टर क्लोज किया, दूसरा शुरू हो गया, दूसरा क्लोज, क्योंकि 12 घंटे की क्लास है, आप मान लो कि अब 15 दिन में 12 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, जितना भी होता है मुझे नहीं मालूम, मान लो कि 100 100 घंटे हो गए, 100 घंटे में 4 चैप्टर हैं, तो कम से कम सर ने 3 घंटे एक चैप्टर के लिए दिया, आप में क्या समझ लोगे और क्या उस पर वर्क कर लोगे, क्या नहीं कर पाओगे, आपको 1 घंटे का दिया जा रहा है, आप एक चैप्टर क्लीन हो गए, आप 24 घंटा 2nd डे पूरा 24 घंटा उस पर प्रैक्टिस करो, फिर आपको बराबर सर, क्वेश्चन हो आप 2nd डे फिर से सर से पूछो, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर आपके दिमाग में एक चीज बैठ के दूसरी चीज बैठाएंगे, पहली वाली चीज निकल गई, तीसरी बैठाएंगे दूसरी वाली निकल गई, तो ये सिस्टम चल रहा है, बराबर। तो इसलिए अरे क्या है सर ना सर, मैं, हाँ, और मैं जब भी डिस्कवरी आते हैं टेक्नीशियन तो में जाके भी आया सर। हाँ हाँ बोलिए सर, वो चार बोलिए। पांच दिन बाद आते हैं, मैडम आती हैं अपना कैमरा लेके, और सर कैसा लगा, तो वो तो सर क्या है ना, जब आपको एबीटी नहीं हाँ मालूम है, रजिस्टर के बारे में नहीं मालूम है, कॉम्प्लीमेंट किसी के बारे में नहीं मालूम, आपको नॉलेज दी बराबर जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नॉलेज तो बराबर देती है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपको 15 दिन में कुछ नहीं मिलना है, 40,000 रुपये खर्च करके 15 दिन में कुछ नहीं मिलना है, मैं कह रहा हूँ फिर बार बार कि भाई ऑफ रो, पहले ऑफलाइन ऑनलाइन करो फिर ऑफलाइन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहला मना नंबर ही नहीं कर रहा। सर। एक्चुअली क्या है ना सर, दुकान बंद करेंगे, वहां पे भी हाँ फीस देना और यहाँ का भी रेंट भरना। मुंबई में आज मेरी शॉप की रेंट 40,000 रुपये है, 1 महीने के लिए भी बंद किया तो 1 लाख रुपए का नुकसान होएगा, और रहना खाना अलग से। कस्टमर सर मारा, कस्टमर सर, मैं तो कस्टमर वहां तो पर ला 15,000 रुपए रोज का, 1,000 रुपए मैंने होटल में खर्च किया था, उसके हॉस्टल के वही पीछे वही रोज का एक चीज हजार रुपये मेरा सर। 15,000 रुपये तो होटल होटल में खर्च हो गया, देखा ना मेरा 1.5 लाख रुपये खर्च हुआ, लेकिन चलो मैं दूसरे को सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई जाए, पहले ऑनलाइन सही सही करे सही ऑफलाइन बात है सर, करे कोई दिक्कत नहीं, आप जितना पैसा उसमें खर्च करोगे उतने का आप अपना ले आओगे, अपना सामान ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सर। सर क्या करना है मालूम है, ये 1 लाख काम बताइए, करना एक अनिल जी करना खुद से है, इसका नहीं, जरा करना तो जरा सर खुद ही दे है, अभी सर कोई मुझे हाथ ही पकड़ के करना नहीं है, सिखाएगा, अगर मान लो करना कि हाथ मुझे पकड़ के आपको नहीं रास्ता सिखाएगा दिखाना है सर, आपको रास्ता दिखाना है, मुझे करना है।
और आप सर रास्ता महावर दिखाएंगे, भैया मैं उस रास्ते में नहीं चलूंगा तो नहीं रास्ता कर पाऊंगा। दिखाना है, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, ये बात कान खोल के सभी लोग समझ ले। करना बराबर खुद से है, आपको हम बताते हैं, प्रैक्टिस आप करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी गलती नहीं। आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, दिल्ली गए, कलकत्ता गए, वहां पे आपको बताया जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे आप आगे बढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंस्टीट्यूट की गलती नहीं। यही है कि वहां पे आपको 50,000 रुपए लगेंगे, यहाँ पे 10,000 में काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ये तो आप सोचे 10,000 में सपोर्ट कितना अच्छा मिल रहा है, वहां पर सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं है सर, एक पैसे का। ट्रेनिंग अधूरी है अगर सपोर्ट नहीं है। आपके हाथ में एक मोबाइल आया, सबसे पहले आपको पता है क्या आता है, एक मिनट मोबाइल ना ले लूं, एक कोई मैं तो सर मोबाइल आपके हाथ में आया। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सर मुझे ना हर बैच में जोड़ लो, चाहे वो ए से शुरू हो चाहे जेड से शुरू हो, मेरे को हमेशा ट्रेनिंग करनी है सर, जब तक आपका आरएम चलेगा तब तक मैं ट्रेनिंग करता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देख एक चीज मैं बताऊंगा कि एक मोबाइल आपके हाथ में आया तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, किसी भी टेक्नीशियन मन में क्या आएगा कि ये मुझसे क्या बनेगा, डर आता है कि अगर खराब हो गया मोबाइल तो कस्टमर के पैसे मुझे देने पड़ेंगे, ये भावना ये थॉट सबसे पहले आती है, हमारे पास भी आती है कि कोई स्टूडेंट अगर मोबाइल लेके आता है, या फिर संतोष सर ही हमारे जब मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं ऑनलाइन, तो मेरे को लगता है कि क्या ये ऑनलाइन बना पाएंगे, फिर स्टूडेंट तो कहेंगे सर को ही नहीं आता, मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं, मगर ये थॉट मेरे भी आता है। तो आधी हिम्मत वहीं पे, आधा समझ लीजिए कि जंग हम वहीं पे हार गए कि क्या ये मुझसे बनेगा, मगर जब आप देखते हैं कि आपसे एक्सपीरियंस वाले लोग वहां बैठ के वो फॉल्ट रिपेयर कर चुके हैं तब वो डर आपका कम होता है, और फिर आप दिमाग, आपका जो दिमाग का हिस्सा जो उस डर में ऑक्यूपाइड है वो खाली होता है, मान लीजिए 10% भी खाली हुआ तब आप उसको रिपेयरिंग के लिए दिमाग लाएंगे, हाँ कि अब इसको ऐसे रिपेयर करना है, उससे ऐसे रिपेयर कर दिया था। तो मेन सपोर्ट क्लास वो होती है कि आपका दिल का डर को हटाया जाए, इसीलिए सपोर्ट दिया जाता है कि उसने किया था तो मुझसे भी हो सकता है, यही मेन मकसद है सपोर्ट क्लास का, जो कि समझना पड़ेगा कि आखिर इंसान एक वो समझ के काम करता है, दिमाग से काम करता है, अगर उसके दिमाग में एक डर आ जाएगा ना, डर सबसे बड़ी बीमारी है। और याद रखिए कि अपने से हमेशा एक्सपीरियंस, आगे बढ़ना है जिंदगी में ना, तो अपने से जो एक्सपीरियंस है उससे उसके साथ बैठना चाहिए, या तो उम्र में एक्सपीरियंस ज्यादा हो या फिर काम में एक्सपीरियंस ज्यादा हो, जिसका सर काम उम्र एक्सपीरियंस उम्र नहीं देता है सर, उम्र जो कोई मतलब नहीं सर, एक्सपीरियंस में तो काम में होना चाहिए, चाहे काम वो में छोटा जब भी एक्सपीरियंस बच्चा आता हो है। ना, अगर उसको काम आता है तो मैं पक्का बैठूंगा, उसको कहूंगा कि मेरा गुरु है, सब मेन होता है काम में एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जब आप सपोर्ट क्लास में जाएंगे, वहां पे कोई 14 साल से काम कर रहा है, आपके आशीष जी 28 साल से काम कर रहे हैं, वो सर ऐसा आशीष जी बात होती रहती है, वो उनको देख कर ही लोग ऐसा मोबाइल ये सब रिपेयर कर चुके हैं वो, सर हमारे जीवन सर है, सुप्रभात सर है, आशीष जी हैं सर, हम लोग मस्त मतलब काम होता है अपना और मस्त ट्रेनिंग होती है सर, मतलब सपोर्ट बहुत अच्छा है। मैंने ही सर पूछा था जीवन सर से, सर जीवन सर से मेरा ही था एक क्वेश्चन था, हमने कल पूछा था, मेरा नोट एंट्री प्रो था, मैं सब कुछ टेस्ट कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा मन में डाउट था कि सीपीयू से दिक्कत होगी, मैंने जीवन सर से बात, जीवन सर ये बताइए कि यहाँ यहाँ सप्लाई जा रही है, जीवन सर ने लास्ट बोला कि यार सीपीयू के बगल में दो कैपेसिटर लगे, वहां पर वोल्टेज चेक कर लो, वहां वोल्टेज आ रहा है तो सीपीयू को उठा देना। मैंने सर मेरे को भी लग रहा है कि हाँ वोल्टेज आ रहे हैं, सीपीयू उठाने का डाउट लग रहा है कि नहीं, अरे 100% है सीपीयू, उठा के रिवॉल्व कर दो। मैंने सर 1 घंटे में रिवॉल्व करके जीवन को दिया सर, मैंने देखो ऑन कर दिया, लेकिन डाउट था, आपसे क्लियर हो गया, ये अच्छी बात थी। मैंने सफरा साहब से बोला सर मुझे डाउट था कि सीपीयू से है कि नहीं है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ यार सीपीयू से ही है, उन्होंने तो क्या सर ये कहा कि हिम्मत मिल जाती है आपको, सिर्फ हिम्मत दी, खुद से किया तो उन्होंने नहीं, मगर किया तो सर एक्सपीरियंस मैंने। जब जब एक्सपीरियंस से किया उन्होंने, तब आपको जो आपके दिल में डर था, दिमाग का होता है ना आधा हिस्सा, वो डर से भर जाता है, वही तो काम सर करता है। कंफ्यूजन था ना मैं कि सीपीयू में है कि नहीं, अभी सीपीयू छोड़ दूं, छेड़ दूंगा, पता नहीं साला फोन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आखिरी में जीवन सर ने बोला कि नहीं सीपीयू है यार, सीपीयू उठा के रिवॉल्व कर दे, मैंने उठाया सीपीयू, रिवॉल्व कर दिया सर, ऑन हो गया, क्योंकि डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर हो गए, हिम्मत जी उठा दी, हिम्मत सर ने बता दी कि चलो आप तुम्हें सीपीयू ही करना है, कुछ भी करो सीपीयू करना है, बिना सीपीयू से होगा नहीं। अभी उससे पहले क्या चल रहा था, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एक बार सर कंफर्म हो पहले गया तो कि कंफर्म चलता नहीं है, था ना कि वो सीपीयू है कि नहीं है, वहां तो वही चीज है डाउट ना था कि कि दिमाग में क्या चल रहा था, दो चीज चल रही थी, होगा नहीं होगा, होगा नहीं नहीं होगा, होगा अब क्या चल रहा है,
होगा, सीपीयू निकालना है, कंफर्म हो गया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाया सीपीयू की तरफ, नहीं तो पहले क्या होता, सपोर्ट क्लास नहीं होता, पता आपको भी था मगर श्योर नहीं थे, बस नहीं पता सर, दिमाग नहीं लगा था कि यार सीपीयू हो नहीं सकता क्योंकि पेस्टेड था, वाटर डैमेज सेट था, पानी जा नहीं सकता था, दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये वाटर डैमेज है, वो पानी गया नहीं तो सीपीयू कैसे खराब होगा। तो बाद में याद आया कि शायद हो सकता है पावर ऐसी शॉर्ट हो गई इसलिए सीपीयू गड़बड़ कर दिया हो, तो बताया तो स्टेप बाय स्टेप बताया, तो हिसाब से हमने भी किया। तो सर ये होता है एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस है, उनसे कुछ शेयर किया, मेरे को कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ बताया, तो ये होता है हम लोग की टीम में, हम लोग की टीम बहुत अच्छी है। उनके एक एक्सपीरियंस है, एक लाइन से जो आपका दिमाग का आधा हिस्सा डर से भरा हुआ था वो खाली हो गया, अब पूरा दिमाग काम करने लगा। सही बात है। वो चीज आपको खुद पता थी, आपको पता है कि वो क्या पता थी, मगर सामने वाले ने बस बोला बेटा उम्र में ज्यादा है आपसे तो कहा होगा कि कर लो सामने ऐसा कर लो। और देखिए बहुत जरूरी बात है, कुछ काम हम करने जाते हैं डाउट रहता है करें कि होगा कि नहीं होगा, जिसने किया है अगर वो बोलते हो जाएगा, या फिर जिसने नहीं भी किया उसने बोला कि हो जाएगा, तब आपका दिमाग जो डर का है, जो डर से भरा हुआ है, वो खाली हो जाता है और फिर आप उस काम को करते हैं। अगर काम मान लीजिए कि कोई दूसरी प्रॉब्लम भी होती ना, तो आपका दिमाग भी खाली है डर से, अब उसमें डर नहीं है तो उस दूसरे फॉल्ट को भी निकाल के आप रिपेयर कर देते हैं। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसलिए यह सब कुछ कैलकुलेट करके ये पूरा सिस्टम को बनाया गया है कि आदमी डरे नहीं। ऑफलाइन में मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर अभी बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है एकदम, अब खुल के बोलने की जरूरत है। पहले मैं नहीं बोल रहा था, बुरा मैं भी नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सर मैं बार बार कहता हूँ, जिसके पास पैसा बहुत है, जिसको एक्सपीरियंस और चाहिए, जिसको हैंड स्किल और चाहिए, जिसको बिल्कुल ही हाँ जाना है, ये मैं आईफोन के लिए मना नहीं करूंगा सर, आईफोन के लिए बिल्कुल जाओ, आईफोन के लिए मैं मना नहीं करूंगा, जिसको आईफोन की फुल ट्रेनिंग लेनी है वो जा सकता है, क्योंकि आईफोन में कुछ सर अलग टाइप्स है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन एंड्रॉइड के लिए मत जाओ। मैं कह रहा हूँ जो फ्रॉड चल रहा है मार्केट में आज, फ्रॉड तो चल रहा है सर, फ्रॉड चल रहा है सर, आप दिन में सीख गए सर, चक्कर खा जाता है इधर, क्या बता सर। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूं, मैं फ्रॉड, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, शायद यूट्यूब पे होगा तो बहुत बुरा लगेगा लोगों को। मैं सर एक इन्फो पास 40 लड़के थे, हम लोग गए थे टूल्स लेने, है ना, और बाबा टूल की आप लोग कितने हो, तो हमने 40 बोला, हमने नाम नहीं बताया कि सीख रहे, हमने बोला हम लोग 40 लड़के, हम लोग को ये सामान चाहिए, तो तुरंत उसने ऑफर दिया यार वहां पर हम ना तुम्हें 20,000 रुपए में ट्रेनिंग कर देंगे, तुम वहां छोड़ दो, मतलब जहां पर 40,000 रुपए की फीस थी उसने सीधे बोल दिया कि 20,000 में कर दे। मैंने सर क्या सिखाओगे 20,000 में, हमें समझ में नहीं आएगा, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे लोग काट रहे थे कि नहीं तुम वहां से हट जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम डिस्काउंट कर देंगे। सर फ्रॉड ये चल रहा है, इस तरह का चल ही रहा है, दिल्ली में क्या कर लोगे सर, हम लोग अपना घर छोड़ के वहां गए, मतलब लड़ाई झगड़ा करेंगे क्या, लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं, पैसा दे दिया काम खत्म सर। तो फ्रॉड तो चल ही रहा है, 100% चल रहा है सर, मैं तो बार बार कहता हूँ जरूरी है, लोग बहुत बार एकदम बिल्कुल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, इसके बाद वो सदमे से उबर नहीं पाते हैं कि फिर से बिजनेस करें, दो लोगों की दुकान बंद हो चुकी है, और ये मैं कोई हवा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट ने आके खुद कहा है कि उसका मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया था। मैं भी बता रहा हूँ सर, मेरा 40 बच्चों में एक बच्चा था जिसने अपनी मम्मी के गहने गिरवी करके रख के वो सीखने आया था, तो मैंने जब उसने मेरे को बताया तो मुझे बहुत दुख लगा, लेकिन चलिए ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं, जो सीखने आया और उसके पैसे अभी भी बोलता है कि भैया मैं उतनी तरह से मैं सीख नहीं पाया हूँ, तो मैंने कहा भाई तो प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, सर ने अगर समझा भी दिया, तुमने अपना कॉपी भी मेंटेन कर लिया, मेहनत तुम्हें ही करनी है, वो बंदा समझा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार अब बात होती है जरूरत हो गई बोलने की, अब जरूरत हो गई है बोलने की, इस तरह से लोग इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, उसमें आप फोर्स करें एक अच्छा सिखाने में क्या जा रहा है, 40,000 रुपए कम तो नहीं है, 10 स्टूडेंट को सिखाएं तो भी आपको 4,00,000 रुपए बनते हैं 15 दिन का, मगर सिखा रहा 50 को है, बनाना 30,00,000 रुपए है, और उसमें उसको क्या समझेगा, नए नए बंदों को आप क्या सिखा देंगे 15 दिन में, कम ही सिखाएं, चलिए मेरिकल डी तक सिखाएं, यूएमडी तक सिखाएं, मगर कंफर्म करके तो भेजें कि स्टूडेंट अभी यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है कि उसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट आगे बोलते हैं ऐसे कर दिया, और सबसे बड़ी बात कहीं ऑफलाइन में जाए तो उनके पुराने स्टूडेंट से बात करें, लाइव वाले स्टूडेंट से बात नहीं करें, कैमरा देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं, कैमरा देखे तो सभी नए वाले मुस्कुराने लगते हैं, तो अगर सर बंदा कोई जाएगा तो वो पुराने स्टूडेंट का नंबर देते ही कहाँ है, वो कोई नंबर नहीं देता सर, अगर वो देगा भी तो किसी जानने वाले का देगा जो उसकी तारीफ करेगा, सपोज अगर मैं अगर अननोन बंदा हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बोलूंगा सर आप मेरे को किसी पुराने स्टूडेंट से बात कराओ, तो
तो वो भी बात कराएंगे, जो उनकी तारीफ करेगा या उनके उनका जो साथ में होगा बंदा उसी की तो वो नंबर देंगे किसी ऐसे। तो सर चल रहा है क्या, लेकिन सबसे ज्यादा सर दिल्ली में चल रहा है, सबसे ज्यादा सर दिल्ली में ही चल रहा है, और कहीं चल नहीं रहा है, लेकिन दिल्ली में चल रहा है सर 100%। जगह जगह तो सर इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, गफ्फार मार्केट में मैं गिनाऊंगा ना तो 15 इंस्टीट्यूट हैं समाज चल रहे हैं। और यूट्यूब पे हर एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर उसका वीडियो बनाता है कि यहाँ पे सबसे अच्छा है, वो एक ही चैनल बंदा, एक ही बंदा 10 इंस्टीट्यूट का फोटो बनाता है और डिस्क्लेमर लिखता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है, लोगों ने आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आप उनको ऐसा न्यूज कैसे दे सकते हैं? ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने किसको फॉलो कर रहे हैं। एक ही बंदा 10 इंस्टीट्यूट का बता रहा है कि मेरे जिम्मे नहीं, मुझे बस पैसे मिल रहे तो मैंने वीडियो बना दिया, तो दूसरी चीज की वीडियो बनाए। आखिर लोगों ने आपको उसको फंसाने के लिए थोड़ी आपको सब्सक्राइब कर रखा है या फिर लोगों को बना रहे हैं। अब बोलना जरूरी हो गया थोड़ा, मेरे को भी बहुत अब बुरा लग रहा है। इतने पहले मैं नाम नहीं लिया करता था, मगर अब जरूरी हो गया बहुत ज्यादा। सर मैं तो खुला मैं तो नाम लेता हूँ, क्योंकि सर सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं है तो सर क्या बोला, अब क्या कर लेगा मेरा क्या कर लेगा, या मैं चला जाऊंगा तो मेरा क्या कर लेगा भाई, मेरे तो पैसे खत्म कर लिए ना उसने, खाली है भाई। ठीक है चलो, मेरी किस्मत में था, उसकी किस्मत में था, ले लिए मुझसे पैसे, क्या करते है? आगे तो नहीं ले सकता ना। या मेरे से 10 लोग पूछेंगे तो मैं 10 लोग को तो मना करूंगा भाई मत जाना, मैं तो कहूंगा ऑफलाइन ऑनलाइन सीखो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से सीखो सर, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी सीखो, लेकिन पहले ऑनलाइन सीखो, जिसको अच्छा लगे वहां सीखे। कहीं भी समझते हैं, सिर्फ यूट्यूब वीडियो, हमारा भी यूट्यूब वीडियो देख के ना कोई डायरेक्टली मैं कहता एडमिशन नहीं ले, आए पहले डेमो क्लास ले, पूरी फीस हम कभी नहीं मांगते, 1000 रुपए में ना हम अमीर हो जाएंगे ना आप गरीब हो जाएंगे, किसी को उसके लिए गहने भी नहीं बेचने पड़ेंगे, हमारी इतनी फीस नहीं है कि आपको गहने बेचने पड़े, 1000-2000 तो सभी कर सकते हैं, कितना भी गरीब होगा 1000-2000 कर लेगा, मोबाइल लाइन में है 2-3 दिन में कमा लेंगे, मोबाइल लाइन ही ऐसी है, इतना अच्छा लाइन है अभी के टाइम पे, कमाई कमाई है इसमें, थोड़ा सा रिस्क मगर आगे भी तो बहुत अच्छा है मोबाइल का, तभी आदमी लोग जबरदस्त है। क्या क्या नहीं है स्कोप में, ये सब देखिए, ये तो पुराने मोबाइल्स हैं, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर, ये पुराने मोबाइल्स हैं, ये डेड हो चुके हैं, मगर अब ये सोना हो गया है। सेमीकंडक्टर, इंडिया में सरकार चीख चीख के चिल्ला रही है कि सेमीकंडक्टर बनाइए, सेमीकंडक्टर कहाँ पर है, पुराने मोबाइल में है, इसमें गोल्ड है, लिथियम है, आयरन, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा ऐसे नोकिया के मोबाइल होंगे, सबको इकट्ठा करके सिर्फ अब डिसम्बल करके ही बेचने लगे, इसमें से जो एलिमेंट्स होते हैं तो भी अच्छी कमाई है, सिर्फ रिपेयरिंग छोड़ के अगर आप सिर्फ ये ई वेस्ट का भी काम करें ना, लाखों करोड़ों की कमाई है इसमें। तो सर मैं तो बोल रहा हूँ ना, वहाँ पर दिल्ली में सीलमपुर नाम है जगह है, मैं वहाँ कर गया था स्क्रैप बोर्ड लेने के लिए सर, वो समझ लीजिए मान लो कि 5 किलोमीटर के एरिया में बहुत बड़ा एरिया है जिसमें स्क्रैप बोर्ड बिकते हैं, और वहाँ पर सर यही जो आप बोलो ना सोना निकाला जाता है, वहाँ स्क्रैप बोर्ड से मदरबोर्ड से सोना ही निकाला जाता है, वो अलग करते हैं सोने को, हर पार्ट को अलग अलग करते हैं, सीलमपुर का नाम सोना निकाल रहे थे, अब सेमीकंडक्टर भी निकाला जा रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्ट, जब से कोरोना हुआ तब से सेमीकंडक्टर की चाइना में शॉर्टेज हो रखी है, उसे सप्लाई करना बंद कर दिया, ताइवान में जो युद्ध के चल रहे हैं उसके लिए सरकार बिल्कुल छटपटा उठी है, क्योंकि पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा अगर सेमीकंडक्टर नहीं रहेंगे तो। आज के हर कार में महिंद्रा के जो कार्स हैं प्रोडक्शन लाइन में खड़े हुए हैं, सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं मिल पा रहे हैं तो उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है, हर एक इंडस्ट्री अब इसमें फंसी हुई है, सरकार पूरा जान लगाई हुई है कि कहीं सेमीकंडक्टर मिल जाए, इंडस्ट्री यहाँ पे रुकी पड़ी है, कहाँ से मिलेगा, अब एक ही रास्ता बचा है, इंडिया में होता नहीं है, पुराने मोबाइल से निकाला जाए, और ये बहुत अच्छा मार्केट है, अगर कोई करना चाहता है काम तो इस पर थोड़ा सा स्टडी करें, हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इसकी ट्रेडिंग ली जाए। चलिए तो ये था कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन